जितने भी सरकारी एप्स हैं, इनमें सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल आरसी, इंश्योरेंस, मार्कशीट्स, राशन कार्ड एक्सेट्रा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिजी लॉकर में अपलोड नहीं करने पड़ते, बल्कि पहले से ही होते हैं, आपको बस इशू करना होता है। डिजी लॉकर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन सब की वैल्यू ओरिजिनल के बराबर होती है। यानी जहां पर भी आपको कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करना है, तो उसकी जगह पर आप डिजी लॉकर वाला डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं। डिजी लॉकर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हर एक पर्सन के पास होना चाहिए। सो इस वीडियो में मैं आपको डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट करने से लेकर इसमें डॉक्यूमेंट्स कैसे इशू करते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से डिजी लॉकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओपन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है, इसके लिए आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि अपना फुल नेम जैसा आधार कार्ड पर दिया गया है, अपनी डेट ऑफ बर्थ जैसी आधार कार्ड में है, अपना जेंडर, एक मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आप 6 अंकों का एक सिक्योरिटी पिन सेट कर सकते हैं। इसके बाद एक ईमेल आईडी और अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अगर आपके सामने लिखा हुआ आता है आधार इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आप सीधे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इसमें आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन डालेंगे जो आपने सेट किया था। अगर आपको सिक्योरिटी पिन याद नहीं है, तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आप यहां डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आप सिक्योरिटी पिन सेट करना चाहते हैं, वो आप यहां डालेंगे और सबमिट करेंगे, तो आपका सिक्योरिटी पिन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना पिन डालकर साइन इन पर क्लिक करेंगे, तो आप इसमें साइन इन हो जाएंगे। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही डिजी लॉकर में होते हैं, आपको बस उन्हें इशू करना होता है, जिसके लिए आप नीचे ब्राउज पर क्लिक करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपको इशू करना है, वो आप यहाँ सर्च करेंगे। जैसे कि पहले मुझे आधार कार्ड इशू करना है, तो यहाँ पर मैं डालूंगा UIDAI और इस पर क्लिक करूंगा। इसमें आधार कार्ड पर क्लिक करूंगा, इसमें कंसेंट देंगे, ओके। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी डालकर कंटिन्यू करेंगे, आपका आधार कार्ड इशू हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, इस तरह से आपका आधार कार्ड इशू हो जाएगा। अब जैसे कि मुझे पैन कार्ड इशू करना है, तो इसके लिए ब्राउज पर क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ पर सर्च करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आप पैन वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और साथ ही नेम डालना है जैसा पैन कार्ड पर लिखा हुआ है। इसके बाद गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, आपका पैन कार्ड इशू हो जाएगा। आप यहाँ पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरह से मुझे अपनी कार या बाइक की आरसी इशू करनी है, तो इसके लिए मैं ब्राउज पर क्लिक करूंगा। इसमें यहाँ पर सर्च करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप टैक्स रिसिप्ट, फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और व्हीकल इंश्योरेंस इशू कर सकते हैं। जैसे कि हमें आरसी इशू करनी है, तो मैं रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स पर क्लिक करूंगा। इसमें आपको अपनी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर डालना है और गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। आरसी इशू हो जाएगी, जो आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें आपकी व्हीकल की सभी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास एक से ज्यादा व्हीकल्स हैं, तो आप सभी आरसी यहां पर इशू कर सकते हैं। यहीं से आप फिटनेस सर्टिफिकेट, व्हीकल टैक्स रिसिप्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे अपनी व्हीकल का इंश्योरेंस इशू करना है, तो इसके लिए ब्राउज पर क्लिक करेंगे। जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, आप यहां उसका नाम टाइप करेंगे। जैसे कि मैंने HDFC से लिया हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस इशू कर सकते हैं।
जैसे कि मुझे कार इंश्योरेंस इशू करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इसमें आप पॉलिसी नंबर और मोबाइल नंबर डालकर गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, इंश्योरेंस इशू हो जाएगा। आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं, इस तरह से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी। यहीं से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो भी डॉक्यूमेंट आपको डिजी लॉकर में इशू करना है, जस्ट आपको यहाँ सर्च करना है और आप उसकी डिटेल्स फिल करके उसको यहाँ इशू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मार्कशीट इशू करनी है तो आप यहाँ बोर्ड का नेम डालेंगे, जिस क्लास की आपको मार्कशीट इशू करनी है आप उस पर क्लिक करेंगे, अपना रोल नंबर डालकर आप उसको इशू कर सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप इशू करते हैं वो आप नीचे इशू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहीं से 3 डॉट पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इशू होते हैं इनकी वैल्यू बिल्कुल ओरिजिनल की तरह होती है। जहाँ पर भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत पड़ती है वहाँ पर आप ये दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं व्हीकल चेकिंग में आपको RC दिखाने की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ से RC दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको ड्राइव का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं और जो भी डेटा आप इसमें अपलोड करना चाहते हैं वो आप प्लस आइकन पर क्लिक करके इसमें अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो भी डेटा आप इसमें अपलोड करते हैं उसकी वैल्यू ओरिजिनल जितनी नहीं होती। ओरिजिनल जितनी वैल्यू सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की होती है जो आप इसमें इशू करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।